पटना में रिटायर सरकारी कर्मी की हत्या मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने गोलियों से किया छल्ली। घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी इलाके की है। मृतक की पहचान राजीव कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला है। राजधानी पटना में मंगलवार यानी 8 अक्टूबर की अल सुबह एक रिटायर सरकारी कर्मी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में बजरंगपुरी इलाके की है। मृतक की पहचान राजीव कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। वह बजरंगपुरी इलाके के ही रहने वाले थे। सुबह 4:30 बजे के आसपास वह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए दिन की तरह आज भी निकले थे। मॉर्निंग वॉक के दौरान ही बदमाशों ने गोलियां से छलनी कर दिया। हत्या के लिए 2 की संख्या में आए थे बदमाश। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे राजीव गुप्ता मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान 2 की संख्या में बदमाश उनके साथ साथ पैदल ही मॉर्निंग वॉक पर करने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद उनके सिर में एक गोली मारी, जिसके बाद वह गिर गए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। राजीव कुमार गुप्ता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। वह सरकारी कर्मी थे और किसी अच्छे पद पर थे। हाल ही में वे सेवानिवृत्त थे। यह भी बात सामने आई है कि उनकी पत्नी और बच्चे भी सरकारी नौकरी में है। हालांकि घटना के पीछे क्या कुछ वजह है, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। परिजनों की ओर से अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है।